जय पिरडी महादेव, जय हो नरसिंह देवता बड़ा देवता जी। तो आज आया हूँ मैं बदा टाला में, और इस वक्त हूँ मैं बदा गांव में, और यहाँ पर होता है एक टाला। टाला का मतलब ये होता है कि हर 12 साल के बाद बदा गांव में जो वहाँ के देवता, जो हमारे देवता है पिरडी महादेव जी और बड़ा देवता जी आते हैं। बड़ा देवता जी की होती है सिंहासन जो कंधे पे ले जाते हैं दो व्यक्ति, और जो पिरडी महादेव है तो आप देख सकते हैं किस तरह बिजली महादेव की तरह ही है, सेम टू सेम उठाने में। तो ये होता है हर 12 साल के बाद। हर 12 साल के बाद यहाँ पर शुद्धिकरण किया जाता है देवी देवताओं के द्वारा। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पिरडी महादेव जी और बड़ा देवता जी, और ये यहाँ पर शुद्धिकरण करते हैं, पूरे गाँव के चक्कर लगाते हैं। पूरे गाँव इनकी जो सीमाएँ हैं इनको पता होता है, देवताओं को 12 साल के बाद इनको पूरा पता होता है कि हमारी सीमाएँ कहाँ से कहाँ तक है। और उन 12 साल के अंदर जिन जिन्होंने वहाँ पर कुछ भी लगाया है या कुछ भी है, उनके रास्ते में जो भी चीज़ आती हैं वो उनको साफ़ करते हुए चले जाते हैं, अपने रास्ते को निकालते हैं 12 साल बाद। तो इस जो वीडियो में ये भी ऐसी ही है कुछ। यहाँ पर अभी देवता चले हैं राउंड पे, अपनी सीमाओं की जो उसमें चले हुए हैं, अपनी सीमा को पकड़ के चले हुए हैं, और जगह जगह पर जहाँ जहाँ पर रुकेंगे वहाँ वहाँ उन देवताओं के जो गुर होते हैं, जो उनके चेले होते हैं, जिनके पास देवता आता है, वह वहाँ पर थोड़ा देवता का जो कार्य होता है वो करेंगे। एक जो लकड़ी होती है मोटा जो मुसल टाइप का होता है लकड़ी, उसको वहाँ पर खोद के जहाँ लगाया जाता है, जहाँ गांव की जो देवता की सीमाएं होती है मेन जगह पर लगाया जाता है, जो वहाँ पर देव प्रक्रिया करते हैं जो भी कार्यक्रम, तो वहाँ लगाया जाता है। इस वक्त यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ पर देवता का जो, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सीमाओं पे अपनी जो सीमाओं के कोने हैं वहाँ लकड़ी लगाई जाती है, किले लगाए जाते हैं एक हिसाब से आप सकते किले के तौर पे होता है। तो अभी यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं बदा से आए हुए हैं, और बदा से जो बाहर के जितने भी गाँव के हैं वहाँ से आए होते हैं, और देख सकते हैं सब यहाँ पर। और हाँ, इसमें एक मेन बात ये होती है कि यहाँ पर आटा फेंका जाता है सभी भक्तों पे आटा फेंका जाता है। आटा फेंकने का मतलब ये नहीं होता कि उसका कुछ होली के टाइप का, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका मतलब होता है कि शुद्धिकरण का टाइप का होता है। जो आटा जिस पे गिरेगा उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। जैसे कोई जो नए आते हैं वो सोचते हैं कि आटा फेंकने से उनके धूल वगैरह जो भी होता है सिस्टम, वैसा नहीं सोचना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, आपका भी शुद्धिकरण हो रहा है इस टाले में। तो जिन आटा जिन पे गिरता है वो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और जब मैं यहाँ पर था तो मैं तो खुद आटा के चक्कर में था कि कब जैसे कोई आटा मेरे ऊपर गिरा है, और ये वो जो भी है बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु हैं, और कहीं कहीं तो रास्ते बने हुए थे देवता का रास्ता, कहीं कहीं तो बिल्कुल साफ था, पर कहीं कहीं खेत थे, खेत खलिहान थे, पेड़ पौधे थे कुछ एक, तो उनको बीच में आते थे तो देवता को वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो देवता के जो मोहरे होते हैं, जो देवता के जो ऊपर उनका श्रृंगार वाली वो होता है, तो वो कहीं भी फंसना या गिरना नहीं चाहिए, ना उनमें टहनियों में गिरना चाहिए। अगर वो गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है भक्तों को। तो ये होता है कुछ एक सिस्टम। तो इसीलिए जो बीच में आते हैं, जैसे कोई छोटे मोटे पेड़ पौधे या कुछ कांटे कोई कुछ आ जाता है, तो उसको साफ़ किया जाता है ताकि देवता को गुजरने में कोई दिक्कत ना हो, भक्तों को गुजरने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसा ही कुछ होता है इस बदा टाले में। हर 12 साल के उपरांत ये बनाया जाता है। हर 12 साल के बाद देवता आते हैं और शुद्धिकरण करते हैं। जो नेगेटिव पावर्स हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उनको दूर रखा जाता है। हर 12 साल के बाद जो पनपी हुई होती है बीच में, उनको दबाया जाता है देवी देवताओं के द्वारा कि नहीं, हम यहाँ पर हैं, तो कृपया करके आप अपनी जगह नाप लें। तो यहाँ पर बड़े देवता का आप देख सकते हैं सिंहासन है, ये कुर्सी टाइप की होती है जो जिस पे हमारे जो बड़े देवता है नरसिंह देवता जी हैं वो विराजते हैं, और इस टाले में अपना योगदान देते हैं, अपने जो आशीर्वाद सबको देते हैं, पूरे गांव को। बदा जो है, बदा कुल्लू में पड़ता है, कुल्लू हिमाचल में। तो कुल्लू से थोड़ी पीछे, लगभग 2 से 3 किलोमीटर पीछे पड़ता है बदा। तो आप कभी आज 12 साल के बाद अगर आपके सामने ये चीज़ें होती है 12 साल के बाद, तो ज़रूर इसमें भाग लीजिएगा और देवताओं का जो आशीर्वाद लीजिएगा। Thank you.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पूरी तरह से आटे के साथ जो भगवान का आशीर्वाद है उससे पूरा भर चुका हूँ, और मेरे पीछे जो जितने भक्त आप देख रहे हैं सारे भर चुके हैं और बहुत मज़े में चल रहे हैं हम तो। तो अभी यहाँ से देवता जा रहे हैं नीचे नदी की तरफ को, वहाँ पर देव प्रक्रिया होगी, तो अभी उनके साथ चले हैं देवता के साथ हम। तो नीचे जब देव प्रक्रिया पूर्ण होगी तो ये टाला ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सब जो यहाँ पर होता है घर जाके सब नहाएंगे पहले, तो उसके बाद ही अंदर घर के अंदर जाना होता है। तो ये थी वीडियो बदाह टाले की, बदाह टाला उत्सव 2023 की। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय पीर डी महादेव जी, जय हो बड़देव।